बैठो पीछे, एक बंदा और बैठ जाओ भाई। दो बंदे हो गए भाई, इनको बता दो। ठीक है, आप ले जाएं। ठीक है भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी आप ये देख रहे हैं कि अभी हमने रात एक कंप्लेन हमें मिली थी रहमान कॉलोनी सेक्टर ए गली नंबर 10 से कि दो सस्पेक्ट केसेस हैं जो कोरोना वायरस के मुश्तबा केसेस हैं जो कल या परसों इटली से आए हैं यहाँ पर। अभी रात हमने सबसे रब्ता किया है और डीसी साहब से भी रब्ता किया, उनकी टीम अभी इस टाइम में मौजूद है जो इसको लेकर जा रही है केस को, और उम्मीद करते हैं कि ये केस नेगेटिव ही आए इंशाल्लाह। कहने की बात ये है कि जिस तरीके से इमरजेंसी लगी हुई है और जितना टाइम इस केस को हैंडल करने में लगा है, काम में बाला से अर्ज़ ये है कि आप इस केस को, इन केसेस को फिल फोर देखा करें। तकरीबन ये केस 18 घंटे के बाद यहाँ पर ये टीम आई है। अगर ये इसी तरीके से ये लोग चलते फिरते रहे इलाके के अंदर और लोगों से मिलते रहे तो उसके बाद फिर ये क्या पोजीशन होगी ये कामे वाला बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो अर्ज़ ये है सिर्फ कि अगर इस तरीके की कोई कंप्लेन इलाके से आ रही है तो उसको फिल फोर जो है ना उसको हैंडल करें और उस पर फौरी तौर पे कार्रवाई करें। ये अभी 18 घंटे के बाद हुआ ये मामला और अभी भी दो सस्पेक्ट केसेस ऐसे हैं कि जो इलाके के अंदर हैं, अगर उनको भी नहीं लिया जा रहा तो गुजारिश अर्ज़ ये है कि आप उनको भी देखें और ये लेकर जा रहे हैं। हम दुआ करते हैं कि इनके जो टेस्ट है वो नेगेटिव है। बहुत शुक्रिया।